हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का क्लास सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज, जो कि आपके एनुअल एग्जाम्स जैसे ICER असिस्टेंट, IIFT रिक्रूटमेंट, NVS TGT PGT, BIS रिक्रूटमेंट, SSC CGL 2022, ये सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इंड तक बने रहना। इस वीडियो की फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लिप्रोसी 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण कुमार को दिया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द RGSA? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय RGSA लागू करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लागू करती है क्या RGSA। RGSA का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। और वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है हमारे? गिरिराज सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी गिरिराज सिंह है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? स्मृति जुबीन ईरानी। नेक्स्ट। इन विच इंडियन सिटी द 70 feet स्टैचू ऑफ बाबा साहब स्टैचू ऑफ नॉलेज हैज बीन मेड। बाबा साहब की 70 feet की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, किस भारतीय शहर में बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा लातूर में बनाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, जिसे बोला गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। कितनी इसकी ऊंचाई होगी? 70 feet लातूर में बनाई गई है। नेक्स्ट। What is the projected GDP growth rate of India in financial year 23 as per the World Bank? विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? इसका सही आंसर रह जाएगा 8%। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की GDP ग्रोथ रहेगी 8%। नेक्स्ट। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इन एडिशन टू 126 सिटीज अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड यूटीज। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 126 शहरों के अलावा किस मंत्रालय ने स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरुआत की है, ठीक है, ने लॉन्च किया है स्वनिधि समृद्धि प्रोग्राम। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मंत्रालय फाइनेंस मंत्रालय के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और वर्तमान एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट। टीम साउदी हैज बीन अवार्डेड द सर रिचर्ड हेडली मेडल, विच इज द हाइएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर बाय विच कंट्री। टीम साउदी को सर रिचर्ड हेडली मेडल सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का क्रिकेट का सर्वोच्च सम्मान है सर रिचर्ड हेडली मेडल, ठीक है। किसको दिया गया है? टीम साउदी को। कहां से बिलोंग करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। न्यूजीलैंड कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। इंग्लैंड कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट। द प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच ऑफ दीज सिटीज विच ऑफ दीज साइट्स इन न्यू दिल्ली।
नई दिल्ली में इनमें से किस स्थल पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स साइट पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट, विच इंडियन ऑथर हैज लॉन्च्ड हिज बुक टाइटल्ड हियर योर सेल्फ फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन मुंबई? किस भारतीय लेखक ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किया है? सिंपल क्वेश्चन है, हियर योर सेल्फ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेम रावत। नेक्स्ट, मेगालिथिक स्टोन जार हैज बीन डिस्कवर्ड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? निम्नलिखित में से किस राज्य के डीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में डीमा हसाओ की खोज की गई है, ठीक है। असम का सीएम है हिमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। केरल के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र सिंह पटेल, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, विच वन हैज अलाउड द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री टू परस्यू टू डिग्रीज साइमल्टेनियसली? किस देश के छात्रों को एक साथ दो डिग्री करने की अनुमति दी है? किसने देश के छात्रों को एक साथ दो डिग्री करने की अनुमति दी है? इसका आंसर हो जाएगा UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अनुमति दी है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान चेयरमैन है एम जगदीश कुमार। नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्तमान में? वाइस चेयरमैन कौन है इसके नीति आयोग के? सुमन बेरी। नेक्स्ट, विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैज वोन द 2022 रेग्जविक ओपन चेस टूर्नामेंट? किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने 2022 रेग्जविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आर प्रगानंदा ने जीता है 2022 रेग्जविक ओपन चेस टूर्नामेंट। नेक्स्ट, आयरन बीम लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आयरन बीम लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा विकसित की गई है आयरन बीम। इजराइल कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी यहाँ की न्यू शेकेल। फ्रांस कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। रशिया कैपिटल है मास्को, करेंसी है रूबल। USA कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें जिससे बाकी लोग जुड़ सकें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 इन विच स्टेट? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। असम में इंग्लैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का को ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वॉइस डे 2022? विश्व आवाज दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट योर वॉइस। नेक्स्ट, पॉइजन पिल व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? खबरों में रही जल जहर की गोली किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा एक्विजिशन ऑफ कंपनी से संबंधित है पॉइजन पिल, ठीक है, कंपनियों के अधिग्रहण से संबंधित है पॉइजन पिल। नेक्स्ट, द वर्ल्ड लीवर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व लीवर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 19 को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। नेक्स्ट, अल अक्सा मॉस्क समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? अल अक्सा मस्जिद जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जेरूसलम। अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम में स्थित है। नेक्स्ट, फिच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट? चेक भुगतान के लिए किस संस्थान ने पॉजिटिव पे सिस्टम विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है। NPCI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताइए। नेक्स्ट, वैगनर ग्रुप इज अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ इच कंट्री। वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? इसका आंसर हो जाएगा रसिया। वैगनर ग्रुप रसिया की मिलिट्री प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। रसिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो। चाइना कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड युआन। नेक्स्ट, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ईडार पोर्टल। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईडार पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ईडार पोर्टल लॉन्च किया है और इसके वर्तमान मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के वर्तमान में मंत्री है नारायण तात्या राणे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री है पीयूष गोयल और डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, हु इज द करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्नैपडील। स्नैपडील के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कुणाल बहल इज द करेंट CEO ऑफ स्नैपडील। नेक्स्ट, स्नैपडील के बारे में कुछ फैक्ट्स है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? हिमांशु चक्रवर्ती, CEO तो आप लोग जान गए कुणाल बहल, और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में और हेडक्वार्टर्स है इसके गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, और कौन सी कंपनी है? यह ई कॉमर्स कंपनी है स्नैपडील। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट। हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक अकी को दोबारा से प्रधानमंत्री चुना गया है आइवरी कोस्ट का, पैट्रिक अची। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव का प्रावधान है? राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 54 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के प्रोविजन के बारे में, मतलब राष्ट्रपति को चुनाव कैसे करना है आर्टिकल 54 में बताया गया है। और आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 56 में बताया गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 57 में बताया गया है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, एंड आर्टिकल 58 में बताया गया है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू द बिल। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यामासुक्रो इज द कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? अलासने औतारा। करेंसी यहाँ की CFA फ्रैंक। आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट, इरानैतीव इज एन आइलैंड सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री। इरानैतीव किस देश में स्थित एक द्वीप है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में स्थित है इरानैतीव आइलैंड। श्रीलंका कैपिटल है जबरनपुरकोट्टे, और एक और कैपिटल यहाँ की कोलंबो, और करेंसी है रूपी। UK कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। USA कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में पहला समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था इंडिया में। कौन सा समाचार पत्र था? उसका नाम है बंगाल गैजेट। कहाँ पर लॉन्च किया गया था? कोलकाता में। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमन इन स्पेस वाज। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा।
और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। द हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ पे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम लोकेटेड, चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम भारत के किस भाग में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है केरल में स्थित है चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम। केरल के सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। तेलंगाना का सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। आंध्र प्रदेश का सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम एक फुटबॉल स्टेडियम है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट, सोहराई खोवार पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट, सोहराई खोवार पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक कला है, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड की पारंपरिक कला है सोहराई कोहवर पेंटिंग। झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर यहाँ के रमेश बैस। राजस्थान का सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र। हरियाणा का सीएम है मनोहर खट्टर, गवर्नर यहाँ के बंदारू दत्तात्रेय। मिजोरम का सीएम है पी जोरामथांगा, गवर्नर यहाँ के खंबापति हरिबाबू। नेक्स्ट, मलमपुझा डैम इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, मलमपुझा बांध भारत के किस भाग में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है मलमपुझा डैम। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन और सूक्ष्म लघु उद्योग के राज्य मंत्री कौन है, इसका आंसर है प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है, इसका आंसर है पेरिस फ्रांस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, मीन्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। इटली कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन सिचुएटेड, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन IGF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है IGF का मुख्यालय, ये कहाँ पे स्थित है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बन गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है इजिप्ट। यहाँ कैपिटल है कायरो, करेंसी है पाउंड। नाइजीरिया कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नायरा। नेक्स्ट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग। विच स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मी बाई स्टेशन, रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन के नाम के रूप में किस स्टेशन का नाम बदल गया है, इसका आंसर हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, द मीनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट, मीनम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर है सिक्किम। मीनम पक्षी वन्य जीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है।
और तेलंगाना के सॉरी तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? एम के स्टैलिन। गवर्नर यहाँ के आर एन रवि। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज अ ह्यूमन हैव? मनुष्य के पास त्वचा की कितनी परतें होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, मुस्कान किरार बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आर्करी। मुस्कान किरार आर्करी प्लेयर है। नेक्स्ट, अश्विनी पोनप्पा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन प्लेयर हैं। अगला प्रश्न देखिए, मजल इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ विच स्पोर्ट? थूथन किस देश किस खेल की शब्दावली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्करी। मजल इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ आर्करी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? कौन सा आर्टिकल धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 26। नेक्स्ट, दप्पू डांस इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? दप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दप्पू डांस। नेक्स्ट, असम का सीएम कौन है? हिमंत बिस्व सरमा। गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। अगला प्रश्न देखिए, इन विच स्टेट अपर गंगा रिवर रामसर साइट लोकेटेड? अपर गंगा रिवर रामसर साइट कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है अपर गंगा रामसर साइट। उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, द ट्रिबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल झूमुर डांस? किस राज्य का आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक झूमुर नृत्य के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है असम। ट्रेडिशनल झूमुर डांस असम के ट्रिबल कम्युनिटी का प्रसिद्ध डांस है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट, सस्तम कोटा लेक जो कि एक रामसर साइट है इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सस्तम कोटा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है केरल में स्थित है सस्तम कोटा लेक। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इज अवार्डेड इन विच फील्ड? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रदान की जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 56, आर्टिकल नंबर 56। नेक्स्ट, व्हाट इज द झूम कल्टीवेशन कॉल्ड इन आंध्र प्रदेश? झूम खेती को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका पोदू। झूम कल्टीवेशन को आंध्र प्रदेश में पोदू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट? स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही आंसर है इसका यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज
वांतवांग फॉल्स लोकेटेड? वांतवांग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका मिजोरम में स्थित है वांतवांग फॉल्स। मिजोरम के सीएम है पीजोराम थांगा, गवर्नर यहाँ के खम्बापति हरिबाबू। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द कॉन्टैक्ट लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका एडोल्फ गैस्टोन योगिन फिक ने किया था कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। WEF का मुख्यालय है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज CHC इन बनारस? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है इसका एनी बेसेंट ने की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है इसका लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, वेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड? राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था नेशनल कैलेंडर। नेक्स्ट, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन? वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु के सीएम है MK Stalin, गवर्नर यहाँ के RN Ravi। नेक्स्ट, वेयर इज दूध बावड़ी लोकेटेड? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दूध बावड़ी। नेक्स्ट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? सही आंसर है इसका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइजेज ऑफ द अलाई दरवाजा गेट? अलाई दरवाजा गेट किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? करेक्ट आंसर है इसका कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा गेट कुतुब मीनार में स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट, वाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल? ऑयल ऑफ विट्रियल? ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान का किस भाग में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 12, 12वें भाग में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, लीफ नोज्ड बैट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज टिपिकली फाउंड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा लीफ नोज्ड बैट आमतौर पर किस राज्य में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है लीफ नोज्ड बैट। कर्नाटक का सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थवरचंद गहलोत। नेक्स्ट, व्हिच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? आंसर है इसका वीनस, वीनस ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण मेड अ कार्टून नेम्ड गट्टू फॉर विच कंपनी? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नाम का कार्टून बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा एशियन पेंट्स के लिए बनाया था गट्टू नाम का कार्टून आर के लक्ष्मण ने। नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वतंत्र न्यूज़पेपर? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र समाचार पत्र की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी स्वतंत्र न्यूज़पेपर की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेड? पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1877 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। नेक्स्ट, हु वाज द गुरु ऑफ जैमिनी? जैमिनी के गुरु कौन थे? इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास वाज द गुरु ऑफ जैमिनी। नेक्स्ट, व्हिच गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया? भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। मध्य प्रदेश का CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट, द मैसूर पैलेस वाज द रेजिडेंस ऑफ द? मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान था? सही आंसर है इसका वोडेयर्स का निवास स्थान था मैसूर पैलेस। भिगवान बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भिगवान पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। भिगवान बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का CM है एकनाथ शिंदे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सेंचल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका वेस्ट बंगाल में स्थित है सेंचल वन्यजीव अभयारण्य। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी, गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, वेयर इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क लोकेटेड? अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। हरियाणा के CM है मनोहर खट्टर, गवर्नर यहाँ के बंदारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बड़ागास आर अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव इन? बड़ागा एक आदिवासी समूह है, कहाँ पाए जाते हैं? आंसर इसका तमिलनाडु में पाए जाते हैं बड़ागा आदिवासी समूह। तमिलनाडु के CM है M.K. स्टेलिन, गवर्नर यहाँ के RN रवि। नेक्स्ट, व्हिच बिल्डिंग इज नोन एज व्हाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर? किस इमारत को सफ़ेद संगमरमर मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ताजमहल को व्हाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द गर्भंगा रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड? गर्भंगा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा असम। गर्भंगा रिजर्व फॉरेस्ट असम राज्य में स्थित है। असम के CM है हिमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स लोकेटेड? ICOMOS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का मुख्यालय। फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, इकोमोस के बारे में कुछ फैक्ट्स है। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में इसके? टेरेसा पैट्रिसियो, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के मारियो संटाना, कनाडा से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर आपको सब पता चल गया, पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट टिमोर? पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर है इसका दिल्ली। ईस्ट टिमोर की राजधानी है दिल्ली। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया? हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका
Robert Golob has become the Prime Minister of Slovenia. Next, what is the currency of Slovenia? Slovenia ki mudra kya hai? Correct answer hai iska euro. Slovenia ki currency hai euro. Next, what is the theme of Earth Day 2022? Prithvi Divas 2022 ka theme kya raha? Iska sahi answer ho jayega invest in our planet. अगला प्रश्न देखते हैं. Which caves are well known for their Indian rock cut architecture? कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एलोरा. एलोरा की गुफाएं इंडियन रॉक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? सही आंसर है इसका सांची स्तूप. ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में. अगला प्रश्न देखिए, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया वॉज बिल्ट बाई बेगम बेगा? भारत में कौन सी विश्व धरोहर स्थल बेगम बेगा द्वारा बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा. नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक. अगला प्रश्न देखिए, हु इज नोन एज रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया? भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रितु करिधाल को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूं. अगला प्रश्न देखिए, हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? सही आंसर है इसका जेंस स्टोल्टेनबर्ग. नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है इसका 121st. भारत की रैंक है 121 SDG रिपोर्ट में. रिसेंटली इन न्यूज डाविंसी मिशन इज रिलेटेड टू? हाल ही में खबरों में रहा डाविंसी मिशन का संबंध किससे है? इसका आंसर है नासा. डाविंसी मिशन का संबंध नासा से है. हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट? रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज जर्नलिस्ट पुस्तक लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका प्रेम प्रकाश. अगला प्रश्न देखिए, हु इज द करेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? सही आंसर है इसका पुनीत चावला. पुनीत चावला इज द करेंट चेयरमैन एंड MD ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, केविन एंडरसन रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? केविन एंडरसन जो कि हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा टेनिस प्लेयर है केविन एंडरसन. और कहां से बिलोंग करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. बाय विच ईयर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज प्लान्ड अ मिशन टू वीनस? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की योजना बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 तक के लिए. अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? पिलिकुला जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क. कर्नाटक का CM है बसवराज बोम्मई, गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत. नेक्स्ट, हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप?
वर्तमान केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है इसका धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, वेयर इज पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पॉइंट कैलीमेयर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में स्थित है पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवेल तमस? तमस उपन्यास किसने लिखा है? सही आंसर है इसका भीष्म सानी ने लिखी है नॉवेल तमस। नेक्स्ट, ऑन विच डेट गरीब कल्याण रोजगार अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 20 जून 2020 को शुरू किया गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी इज द सिंधु दर्शन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एवरी ईयर? सिंधु दर्शन महोत्सव हर साल किस तारीख को सिंधु दर्शन महोत्सव हर साल किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका लद्दाख में हर साल इसे मनाया जाता है सिंधु दर्शन फेस्टिवल को। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न देखिए, द फेस्टिवल ऑफ शीतल साथी द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती इज ऑब्जर्व इन विच स्टेट? भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह शीतल षष्ठी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में मनाया जाता है शीतल षष्ठी त्यौहार। नेक्स्ट, गोल 7 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू? सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से संबंधित है SDG गोल नंबर 7। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें से बाकी लोग जुड़ सकें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो की फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज का लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।